कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आपके मन में अफर्मेशन को लेकर कुछ सवाल है कि अफर्मेशन कैसे करें, अफर्मेशन क्यों करना चाहिए, अफर्मेशन करने से क्या होता है और किस टाइम पे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेशन क्यों करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम उसके पास जैसे थॉट्स भेजेंगे वो उस दिशा में काम करता है। अगर हम उसको नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे तो वो उस दिशा में काम करता है, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे तो वो उस दिशा में काम करता है। पॉजिटिव रहना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहे? अफर्मेशन से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अफर्मेशन क्यों करना चाहिए, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब अफर्मेशन से क्या होता है? अगर आप अपने अफर्मेशन में आपके लाइफ के जो भी गोल हैं, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, वो सारी चीजें शामिल करते हैं और वो अफर्मेशन आप दिन में 2-3 बार दोहराते हैं, बार बार वो अफर्मेशन को करते हैं, तो आपके वो सारे थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और वो जब वो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो आपका माइंड आपको उस दिशा में ले जाता है, आपकी मंजिल की ओर ले जाता है और उस तरफ के सारे रास्ते खोल देता है, आपको उस तरफ काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से आपके गोल और आपकी इच्छाएं पूरी होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अफर्मेशन किस टाइम पे करना चाहिए। अगर आप अफर्मेशन को सुबह और शाम करते हैं, उठने के बाद और सोने से पहले, तो उसका बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन अफर्मेशन आप दिन में भी कर सकते हैं, जब आप अकेले हो, आपका मन शांत हो, तब आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम के अलावा अफर्मेशन नहीं कर सकते। आप जितनी बार आपके थॉट्स को दोहराओगे, जितना आपका थॉट स्ट्रोंग होंगे, आपका बिलीफ जितना स्ट्रोंग होगा, उतना जल्दी आपका अफर्मेशन वर्क करता है, उतना जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और अब बात करते हैं अफर्मेशन को किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। तो अफर्मेशन का वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अफर्मेशन में आपको जो भी इच्छाएं हैं, लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, वो सारी चीजें लिखनी है। लेकिन वो सारी चीजें आपको मिल गई है, प्रेजेंट में आपके पास वो सब कुछ है, ऐसा आपको फील करना है। अफर्मेशन में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे वो मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको लिखना है कि मेरे पास अच्छी जॉब है, और आप कैसा फील कर रहे हैं वैसा फील करना है। जो कुछ भी आप लिखते हो प्रेजेंट में होना चाहिए। आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा हेल्थ है, इस तरह से आपको प्रेजेंट में ही सब कुछ लिखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।